हम लोगों ने भी तो लिख के दिया था मैडम। इसमें इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग कई बड़े बड़े गुनाह करके जिंदगी भर बाहर घूमते हैं, जैसा आपका आरोप है, आपकी बात राष्ट्रपति जी ने रखी, और सादा गरीब आदमी उसको तो पता भी नहीं क्या सेक्शन क्या नहीं, सिर्फ थप्पड़ भी मार दिया और कभी नहीं भी मारा, तब भी सालों साल जेल में है। तो जुडिशरी क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक है, लेकिन ऐसे मुझे, हम जनता के लिए, वी आर फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो उसके लिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सबने मिलकर विचार करना चाहिए, देश को तरक्की पर ले जाना है। ये तुम ये क्या सोल्यूशन दे रहे हो कि जेल बढ़ाओ, ओवरक्राउडेड है, ये सोल्यूशन हुआ क्या? तो ये एक है। और सेकंड वाला जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी जो लोगों को न्याय नहीं मिलता, जैसा कि आपको आपके केस में हो रहा है, उस बारे में उन्होंने कहा है। तो ये एक्चुअली देखिए, दो दो किस्से हुए हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जम्मू कश्मीर को एक प्रोग्राम में गए, उनके बाजू में वहां पर वन ऑफ द लीडर महबूबा मुफ्ती थे। तो उन्होंने क्या कहा मुफ्ती जी ने, अरे हमारा 370 का केस आप ले नहीं रहे। बस वहां से आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया। राष्ट्रपति जी ने बोला आज तक क्या किया? ये पूछता है भारत, ये पूछना चाहता है ये देश। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे जो हायर अथॉरिटी है माननीय राष्ट्रपति जी, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं और दूसरे बातों के लिए पांच पांच जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रोज चल रही है, और ऐसे लोग, उस दिन हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो पिटीशन यहां फाइल किया है जिस व्यक्ति ने, वो तो इस देश को अपना देश ही नहीं मानता, वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है। तो इस देश के संविधान में जिसका विश्वास नहीं है, उसका पिटीशन आप कैसा सुन रहे हो? तब फिर संजय किशन कौल साहब, जज साहब ने बोला, हाँ पहले एफिडेविट दो कि हमारा संविधान में विश्वास है, इस देश को हम हमारा देश मानते। तो ये, लेकिन मुझे इतना बताइए, 370 हट गया, रह गया, ये ऐसा इतना कौन सा बड़ा मसला हो गया? या 4,000 लोगों ने सुसाइड किया, 13 करोड़ परिवार, शायद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के पास में पहुंचा नहीं है ना, हो सकता है, मतलब ये नहीं पहुंची होंगी बात। तो उसके लिए, जैसा कि भगत सिंह जी ने कहा था, वो अगर ऊंचा सुनते हैं तो हम वो धमाका करेंगे कि उनको सुनाई दे। तो भगत सिंह जी उस समय गुलाम राष्ट्र में थे, उन्होंने बम फोड़ दिया, हमको बम फोड़ने की जरूरत नहीं, हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? कलम। दूसरा हथियार क्या है? आपका मोबाइल, सोशल मीडिया। बाद में हम बैठे लीगैलिटी के लिए, आप लोगों से हमको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको हम बोलेंगे ये ईमेल करना है, वो सिर्फ आपने ईमेल करना, हम कहेंगे ये कैंपेन चलाना, आपने वो कैंपेन चलाना, आप इनको दिखाएंगे जनता की ताकत क्या होती है। अन्ना हजारे जी के समय आपने देख लिया, पूरे देश ने देखा, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है, सिर्फ यहां लोग आंदोलन के लिए बैठ गए, लोकसभा में सारी पार्टियां मिलकर, शायद उस समय अरुण कुमार जी भी सांसद थे, तो सारी पार्टियां मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है एक व्यक्ति को, अन्ना हजारे जी को, कि आप प्लीज आपका आसन तोड़िए। तो ये इस देश की जनता की ताकत है। कुछ गांधीगिरी के प्रयोग भी है कि जैसा अपने लगेरो मुन्ना भाई ने एक दो बताया है उन्होंने, तो हमको कुछ नहीं है। और अगर जनता एक साथ आ जाए तो क्या हो सकता है, इसके सारे एग्जाम्पल ना हमारे वेबसाइट पे दिए हुए, आप सोच नहीं सकते वो हुआ है। और अब उससे ज्यादा होगा, क्योंकि इतना बड़ा पीड़ित वर्ग आज तक कोई नहीं था इस देश में,
ये 13 करोड़ फैमिली है। जो लोग राजनीति करना चाहते वो भी अच्छे से समझ ले कि ये 13 करोड़ फैमिली है, हर इन्वेस्टर की अपनी एक फैमिली है। इन लोगों की ऊर्जा को अगर ठीक से चैनलाइज किया गया तो देश के तरक्की का रास्ता बनेगा। और अगर आप हमको अंडर एस्टिमेट करोगे कॉमन मैन की पावर को, तो जवाब मिलेगा एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। देखेंगे, पूरा देश देखेगा, अभी पूरी दुनिया देखेंगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। सेकंड वीडियो मिला है सर, प्रकाश पोहरा जी को कुछ पता है। हाँ, और एक मिनट आइए, और वो एक लगेरो मुन्ना भाई का 1 मिनट का वीडियो था, देखो गांधीगिरी का कुछ वीडियो चल रहा है उसके बाद। वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है वो व्यक्ति, हमें भी कुछ टाइम चाहिए सर, कुछ बात रखने के लिए टाइम। हाँ, ये 2-3 मिनट में इसको कमेंट करके आपका बात कीजिए, फिर आपका क्लोज करते हैं, फिर सुशांत सिंह के जजमेंट के लिए वो लोग बहुत वेट कर रहे हैं। आपका मामला थोड़ा क्या डायरेक्टली ये देना, मतलब ना किसी पे अन्याय होना चाहिए, ना वो क्या कहते कि आधा अधूरा जस्टिस भी नहीं होना चाहिए, और आपको आपका पूरा न्याय मिलना चाहिए। आपका काम सिस्टमेटिक होगा, और नेक्स्ट जो आपका हियरिंग सुनवाई और जजमेंट उसी दिन, जजमेंट का पूरा तयारी हमारे लेवल पे हो रहा है, अभी तालकटोरा स्टेडियम में रखेंगे। उस समय आप जितने लोगों को आना है आपके, आज से ही आप आशुतोष जी एक नाम दीजिए उनको, असाइन कीजिए किसी को, आज से ही शॉर्टलिस्ट करके उनको पास अभी से दे दीजिए। अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ, गुप्ता जी का यहां पर सुप्रीम कोर्ट से अराउंड 1000 लॉयर्स के एप्लीकेशन पेंडिंग है। किसी को मैसेज जा रहा है गन परमिशन का, किसी को नहीं जा रहा है, कुछ बाहर गांव से आना चाहते हैं उनका टिकट बुक करना, बहुत प्रॉब्लम गया है ये इसमें। उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, माफी मांगते हैं आपसे, लेकिन अगले बार जो सहारा का नेक्स्ट होगा ना, उसमें जो भी है एडवांस में आप आपका नाम दे दीजिए, वहां सिलेक्टेड, और वहां पर हम पहले ही पब्लिश करेंगे कि इस मुद्दे पे हम इस लाइन पे चलने वाले हैं। आपको कुछ सजेशन देना तो आप एडवांस में दे देना, और मुझे विश्वास है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सारे मुद्दे कवर हो जाएंगे उसमें। हाँ, पोस्ट ऑफिस में नहीं, वो उसका पेंशन के लिए जाता है ना। हाँ, पेंशन की पोस्ट ऑफिस। अच्छा, यस, हाँ यस, ये बहुत ही रिटायर्ड टीचर हूँ बेटा, उम्र भर बच्चों को सिखाया।